नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च की सब्जी। इसे बनाने के लिए आप छोटी मिर्ची या बड़ी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बड़ी मिर्ची का यूज किया है। आपके पास जो भी मिर्ची है आप उसका यूज कर सकते हैं। आप इसी तरह की नई रेसिपी के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम मिर्ची की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची की चटपटी सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 12 से 13 मिर्चियाँ ले ली हैं। इन्हें हमने अच्छी तरीके से धुल लिया है और धुल के पोंछ लिया है, या तो आप 5 से 10 मिनट सुखाने के लिए रख सकते हैं। और मसालों में हमने यहाँ पर 1 स्पून सौंफ लिया है, थोड़ा सा मेथी लिया है, आधा स्पून अजवाइन लिया है, आधा स्पून से थोड़ा कम मंगरैल लिया है, 1 स्पून धनिया लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच सरसों लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 स्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब हम इन मिर्चियों को इस तरीके से चाकू की सहायता से बीच से थोड़ा सा कट करेंगे, जिससे कि जब मिर्ची की सब्जी बनाएं तो ये फटे नहीं। आप इसी तरीके से सारी मिर्ची को बीच से थोड़ा थोड़ा कट करके रख लेंगे। देखिए, हमने सारी मिर्चियों को कट करके रख लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने गैस पर एक पैन को गरम कर लिया है, जिसमें से कि 1 स्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इन सारी मिर्चियों को इस फ्राई पैन में डाल देंगे। लगभग 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब मिर्ची फ्राई हो जाए 5 मिनट तक, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम अब इन मसालों में से मेथी, अजवाइन और मंगरैल को छोड़कर इन सारे मसालों को मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। अगर आपको पसंद है, खड़ा मसाला नहीं पसंद है, तो आप इन सारे मसालों को पीस कर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन मसालों को मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा हुआ है। देखिए, इस प्रकार से आप पीसेंगे, ज़्यादा पतला नहीं पीसेंगे, दरदरा ही पीसेंगे। और यहाँ पर हमारी मिर्ची 5 मिनट तक फ्राई हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर मिर्ची को निकाल लिया है और हम अब उसी पैन में जो तेल बच गया है उसी में मिर्ची की सब्जी बनाएंगे। अब मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए हमने जो मसाले का पेस्ट तैयार करके रखा है उसको उसी तेल में ऐड करेंगे। और इन मसालों को एक चम्मच की सहायता से मिलाएंगे। लगभग 5 मिनट पकने के बाद इन मसालों में हम मिर्ची को ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्ची की सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से मसाले का प्रयोग करेंगे। इसे आप दाल चावल या किसी के साथ भी बहुत दिनों तक रख कर खा सकते हैं, लगभग 15 दिनों तक। ये ख़राब नहीं होंगी। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए और बिना, अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है, तो झटपट इन मिर्चियों की बनी सब्जी को सर्व करके खा सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक चारों तरफ से इस तरीके से आप फैलाकर डालेंगे, जिससे कि सभी मिर्चियों में नमक अच्छी तरीके से मिल जाए। और इसे हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोलकर देख लेते हैं कि हमारी मिर्ची की सब्जी कैसी है। एक चम्मच की सहायता से हम इसे चलाएंगे और देखेंगे। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसमें लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 1 स्पून लेमन का रस ऐड कर रहे हैं और नींबू का रस ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे कि लेमन का रस और मिर्ची हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पर हमारी मिर्ची की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, हमारी मिर्ची की सब्जी बनकर तैयार है। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप अगर इसे कुछ दिनों तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसे ठंडे होने के बाद एक बाउल या किसी कंटेनर में रख के फ्रिज में रख कर यूज कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप
दाल चावल के साथ आराम से खा सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं। ये जितना ही देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। इसे हम पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं और तथा किसी बड़ों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मिर्ची पसंद नहीं होती है, इसलिए हम बच्चों को नहीं देते हैं।